हेलो फ्रेंड्स, डिश टू डिलीशियस में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 अचार रेसिपी जो आपके खाने का स्वाद और बढ़ा देगी। अभी गर्मी के मौसम में हमें खाना कम पसंद आता है और उसमें भी सब्जियों में भी बहुत कम चॉइस होती है, तो ऐसे में बच्चे बड़े सब लोग खाने को लेकर बहुत ही परेशान करते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसा क्या बनाएं जिससे बच्चे और बड़े सब खुशी खुशी खाना खा लें। तो ऐसे में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ 6 डिफरेंट टाइप की अचार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टेंट आम का अचार बनाएंगे। ऐसा बनाए आम का चटपटा अचार के देखते ही आ जाए मुंह में पानी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 250 ग्राम का एक आम लिया है, उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश करके पूरा कपड़े से पोंछ दिया है। ये खास ध्यान रहे कि आम कहीं से भी गीला ना रहे, वरना आपका आम का अचार खराब हो जाएगा। अब हम यहाँ आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और गुठली को बाहर निकाल देंगे। अब मैंने यहाँ 200 ग्राम मेथी का मसाला लिया है, ये मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो मार्केट में जो रेडीमेड मिलता है वो भी आप यूज कर सकते हो। मैंने मेथी मसाला की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। अब हम एक बाउल में आम के टुकड़े और मेथी मसाला को ऐड करेंगे और दूसरी ओर एक पैन में 50 ग्राम सरसों का ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। तब तक हम आम और मेथी मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए तब गैस को ऑफ करके हम उसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपने ऑयल गर्म डाल दिया तो आपका मसाला जल जाएगा, इसीलिए आप ऑयल ठंडा होने के बाद ही इसको यूज करें। तो हमारा ऑयल ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आम का चटपटा अचार बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो अचार को तुरंत खा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक दिन उसे ढककर रख दें और दूसरे दिन वो अचार खाने के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब मैं दूसरी वीडियो में चना मेथी और आम का अचार बनाने वाली हूँ, वो भी इतना ही आपको टेस्टी लगेगा और खाने में डिफरेंट लगेगा। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम मेथी ली है और 100 ग्राम चना यानी कि चिकपीस लिए है। दोनों बाउल में पानी डालकर हमें 5 से 6 घंटे तक उसे भिगोना है। आपको मेथी कम पसंद हो तो आप मेथी चने से आधी यानी कि 50 ग्राम भी ले सकते हो। 6 घंटे के बाद चना और मेथी अच्छे से फूल गए हैं, तो अब हम उसे छन्नी से छानकर एक कपड़े में बिछा देंगे और ड्राई होने तक रखेंगे। जब तक हमारा मेथी और चना ड्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ आम को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने टोटल 500 ग्राम के 2 आम लिए हैं। इसमें एक को काट कर मैं टुकड़े कर लूँगी और दूसरे आम को छील कर उसे कद्दूकस कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये याद रखना, चना और मेथी को हमें धूप में नहीं सुखाना है बल्कि हम पैन के नीचे 1 घंटे तक सुखाना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाद में हम आम के टुकड़े डालेंगे और इसके बाद हमने जो आम को कद्दूकस किया था वो डालेंगे और 300 ग्राम जितना मेथी का अचार मसाला डालेंगे और लास्ट में 100 ग्राम सरसों ऑयल को गरम करके ठंडा होने के बाद डालेंगे, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि मैंने चना और मेथी में आम को कद्दूकस करके क्यों डाला, तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग चना और मेथी को पहले पानी में भिगोते हैं और फिर उसके बाद दूसरे आम के पानी में भिगोते हैं और फिर ड्राई करके उसका अचार बनाते हैं, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए यहाँ मैंने आम को कद्दूकस करके अचार में डाल दिया। बाकी अचार में चना मेथी और जो मसाला था उस
जल्दी से डेंगू टेस्ट आ जाए। ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब हम अचार को एक कांच के एयरटाइट कंटेनर में भरेंगे। कंटेनर में अचार थोड़ा दबाकर भरें ताकि इसमें हवा न लगे और ऊपर से सरसों का तेल डालकर पूरा अचार तेल में डुबा दें ताकि वो खराब ना हो जाए। ये अचार आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। अब हम तीसरा हरे अंगूर का इंस्टेंट अचार बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये अचार ज़्यादातर हमें शादियों वाले फंक्शन में देखने को मिलता है क्योंकि ये अचार में स्पाइसी, टैंगी और स्वीट तीनों टेस्ट का बैलेंस होता है और ये अचार फटाफट भी बन जाता है और ये हरे अंगूर का अचार खा के हम भी खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड, वही हरे अंगूर का इंस्टेंट अचार आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में हरे अंगूर को लिया है जो मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिया था। अब अंगूर को बीच में से काटकर उसके दो टुकड़े करेंगे और साइड में हम गैस पर सरसों ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। सारे अंगूर के टुकड़े हो जाने के बाद हम उसी बाउल में 5 से 6 सूखी लाल मिर्च के टुकड़े करके ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून राई की दाल यानी कि राई के पुरे ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मेथी का अचार मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालें। अचार मसाला में नमक होता है इसीलिए थोड़ा कम ही डालें। और फिर लास्ट में हमने जो ऑयल गर्म किया था उसे उंगली डालकर चेक करें कि ऑयल ठंडा हुआ कि नहीं, तभी आप ऑयल डालें वरना आपका मसाला जल जाएगा और अचार आपका थोड़ा सा श्याम हो जाएगा। अब ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारा अंगूर का अचार बनके रेडी हो गया है। इसे ताजा ताजा खाने में बहुत मजा आता है। इसे आप लंच या डिनर किसी के भी साथ सर्व करके खा सकते हैं। और इसका ये स्पाइसी, टैंगी और स्वीट टेस्ट सबको बहुत पसंद आता है। ये अचार को फ्रिज में ही रखें वरना आपका अचार खराब हो जाएगा। फोर्थ रेसिपी गुजराती स्टाइल गुंडा कैरी अचार की बनाने जा रहे हैं। सेहत के लिए गुंडे का अचार बहुत ही अच्छा होता है। गुंडा मतलब लसोड़ा भी बोलते हैं, अर्बुदा भी बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन चेरी भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम गुंडा लिया है। ये सारे गुंडे की टहनी को अलग कर देंगे। एक एक गुंडे के ऊपर जो कवर है से भी निकाल देंगे। सब गुंदे को इसी तरह से निकाल कर रखेंगे। गुंदे की हमने सभी टहनियां निकाल ली। तो अभी हम अंदर का बीज निकालने के लिए कोई भी दस्ताने से इसको थोड़ा सा हल्का कूटेंगे तो उसका ऊपर का भाग टूट जाएगा और नमक और हल्दी की सहायता से अंदर का बीज हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही चिपचिपा होता है इसीलिए नमक लगा लेंगे, नहीं तो हाथ से फिसल जाता है
नमक की सहायता से हमने सारे बूंदे का बीज निकाल लिया है। अब यहाँ हमने 500 ग्राम आम लिया है। आम के मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे। आम के टुकड़े करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम बीज निकाले हुए सारे बूंदे को अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके 6 घंटे के लिए उसे ढककर रख देंगे। 6 घंटे के बाद हम आम और गूंदे को छन्नी में निकालकर उसका सारा पानी निकाल देंगे और उसे एक कपड़े में 3 से 4 घंटे तक सुखाने के लिए रख देंगे। जब तक यह सूखता है तब तक हम मसाले की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा आम लिया है, उसका हम छिलका उतार लेंगे और बाद में हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आम को कद्दूकस करने के बाद हम उसका सारा पानी निचोड़कर एक बाउल में रखेंगे और बाद में 400 ग्राम मेथी अचार मसाला उसमें मिक्स करेंगे और दोनों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आम और गूंदा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब हम एक एक करके सारे गूंदा में यही मसाला फिल कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे गूंदे में मसाला फिल कर दिया है। तो ये हमारा गूंदा अचार बनके रेडी हो गया है। अब बारी आती है आम की। तो आम को भी जो मसाला हमने गूंदा भरने के लिए बनाया था उसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने मसाला ज़्यादा बनाया था ताकि उसमें आम के टुकड़े को मिक्स कर सके। मसाला अच्छी तरह से सेट होने के बाद दोनों को 2 घंटे के लिए अलग अलग रखेंगे और फिर बाद में दोनों में मसाला अच्छे से सेट हो जाए तब हम गूंदा और कैरी को एक बाउल में निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमारा ट्रेडिशनल आम और गूंदा का अचार बनके रेडी हो गया है। अब हमें मिक्स किया हुआ गूंदा और आम को एक दिन के लिए बाहर रखेंगे ताकि मसाला अच्छे से सेट हो जाए और फिर बाद में दूसरे दिन उसको एक कांच के एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे और उसके ऊपर ऑयल को अचार डूबने तक डालेंगे। ये अचार आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम 5वीं आम की कटकी रेसिपी बनाएंगे। आम की कटकी को प्याज के साथ खाने से चिलचिलाती गर्मी में हमें लू से बचाती है, यानी कि हीट स्ट्रोक को रोकती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में भी स्वीट है, तो बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम के 2 आम दिए हैं। दोनों आम को अच्छे से हम छील लेंगे। फिर बाद में हम उसे इसी तरह से, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है, उसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आम कट हो जाने के बाद अब हम उसमें मसाला ऐड करते हैं। सबसे पहले 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर को ऐड करेंगे और लास्ट में 300 ग्राम
गुड़ को ऐड कर देंगे। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए उसे ढककर रख देंगे। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि हमारी कटकी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, ये आम की कटकी इसी तरह से प्याज में मिलाकर खाते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं। सिक्स और लास्ट वीडियो की ओर, जो है काबुली चना अचार रेसिपी। तो यहाँ मैंने 1 कप करीबन 100 ग्राम जितने काबुली चने को लिया है और उसे एक बाउल में पानी डालकर 6 घंटे के लिए भिगोना है। 6 घंटे के बाद चना अच्छे से फूल जाए तब छन्नी से छान कर पानी निकाल देना है और उसे 1 कपड़े में डालकर ड्राई होने के लिए रखना है। हमें चना को 2 से 3 घंटे तक सुखाना है। 3 घंटे के बाद जब चना अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम उसे 1 बाउल में निकाल लेंगे और उसमें मैंने 250 ग्राम जितने आम के टुकड़े करके डाले हैं और उसके बाद मैंने जिस कप से चना लिया था वही कप से 1.5 कप जितना मेथी अचार मसाला को लिया है और इसमें ऐड किया है और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम 2 टेबलस्पून जितना सरसों का ऑयल गैस पर गरम करेंगे। गरम हो जाने के बाद गैस को ऑफ करके उसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ऑयल को चना कैरी का मसाला किया था उसमें डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और लास्ट में 1 टेबलस्पून नमक डालें और अच्छे से मिक्स करके 1 दिन के लिए ढककर रख दें ताकि चना और कैरी में मसाला अच्छे से सेट हो जाए। दूसरे दिन हम अचार को चम्मच की मदद से हिलाकर 1 कांच के एयरटाइट कंटेनर में भरेंगे और ऊपर से ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें अचार डूबने तक डालना है वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो ये हमारा काबुली चना अचार बनके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने 6 अचार रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आपको ये अचार रेसिपी कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।